सेनेट इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, नतीज का ऐलान हो चुके हैं और पीडीएम के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे यूसुफ जगेलानी वो जीत चुके हैं, लेकिन दूसरी जन्म खवातीन की नशिस्त पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजी अरशद हैं वो 174 वोट लेकर कामयाब हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, बात कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? 174 वोट लिए हैं, क्या तासर आते हैं, क्या कहती हैं? मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे 174 वोट पे जिताया। मेरे वोट जो मेरे दूसरे थे उनके से भी ज्यादा है। और ये बात जो आप, मैं ये कहूँगी कि ये मेरी जीत नहीं है भाई, ये मेरे खान की जीत है, मेरी पार्टी की जीत है और हम इस पर हमें बड़ा फख्र है कि हम जीते, क्योंकि हमने कोई, आपने देखा कि मेरे वोट से ये पता चला कि पार्टी का वोट पीटीआई को ही है। और वहाँ पे जब आप लोगों को, आपने देखा कल क्या हुआ, जो वीडियो आई उसकी निशानदेही हुई कि क्या होने वाला है, तो ये बिल्कुल जीता जाता सबूत है कि कितना करप्शन हुई है, कितना वोट खरीदा गया है, विच इज़ वेरी सैड फॉर द कंट्री। और खान साहब ने इसीलिए ओपन बैलेट की बात की थी कि ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई इस तरह अपना जमीर रखा। अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा, 174 वोट आपको पड़े, 164 आपके जो मेल उम्मीदवार थे उनको पड़े, 10 का फर्क था, 7 उनकी जानब से भी जो है वो उन पर एतराज़ हो गए, 5 आपके जो थे, इस सूरत हाल में क्या कहती हैं, क्या क्या कुछ जाती एतराज़ हैं पार्टी के अंदर पीछे एक साहब के साथ? देखिए इस मौके पर मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मेरी लीडरशिप का जो मौकफ होगा वही उनसे आप बात करिएगा, क्योंकि मैं अभी इसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या कहना है, मतलब वही आपको जवाब। आखिर में बस ये बता दें, हमारी बात हुई अपोजिशन के साथ, वो ये कह रहे हैं कि ये मौकफ है जो पीडीएम का, उसकी जीत है, वजीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए, इस हवाले से क्यों, इसलिए जीत हमारी सेनेट में, देखें हमारी कितनी।